आप सभी लोगों ने सुना होगा हाल ही में कि मिजोरम के जंगलों में आग लग गई है और आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। और आप समझ सकते हैं कि वैसे ही हमारे यहाँ जंगलों किस तरह से साफ होते जा रहे हैं, पेड़ों की कमी होती जा रही है। और ये आग लगना एक और बड़ा कारण है। आप लोग सुनते हैं कई देशों में इस तरह की आग लगती रहती है, ये फिर आप समझ सकते हैं कई लोगों की, हमारी आप लोगों की गलती की वजह से, या फिर आप देखते हैं कि वैसे भी प्राकृतिक कोई घटना होती है उसकी वजह से भी। ये देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें हम देखेंगे हमारा प्यारा भारत एशिया में, और आप जाएंगे पूर्वोत्तर भारत में आपको एक राज्य मिलेगा मिजोरम। ये है हमारा मिजोरम, यहाँ आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा इस मैप्स में, देखिए आप लोग, देखिए ये है आपका मिजोरम। और आपको मालूम होगा कि इसकी सीमा आपकी म्यांमार से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह की टॉपिक जब भी चर्चा में रहते हैं तो उनसे क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछ लेता है आपका, प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है, और आप समझिए लिखित परीक्षा में भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वन अग्नि से संबंधित। तो वैसे आप लोगों को सभी राज्यों का क्रम मालूम होना चाहिए कि किस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, कितने राज्यों से लगती है, समझ रहे हैं, वहाँ लोकसभा राज्यसभा सीटें कितनी है, विधानसभा सीटें क्या हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये सामान्य क्वेश्चन से वो आते रहते हैं। और इसकी अगर हम लोग राज्यों की सीमा बात करें तो त्रिपुरा से भी लगती है, इसकी आप देखेंगे यहाँ असम से भी लगती है, और यहाँ आप देखेंगे मणिपुर से भी लगती है, तीन राज्यों से इसकी सीमा लगती है, दो देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसकी राजधानी आप देखेंगे आइजोल है और मिजोरम की। इसकी स्थापना की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 20 फरवरी 1987 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 40 सीटें देखने को मिलेगी, जिसे आप लोग एमएलए कहते हैं, विधायक कहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा सीट एक है, लोकसभा सीट भी एक है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, इसी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे हाल ही में मिजोरम में के जंगलों में आग लग गई थी, जो अब धीरे धीरे गंभीर होती चली जा रही है। इसमें आप देखेंगे मिजोरम के जंगलों में लगी हुई आग का खतरा बढ़ने लगा है। यह आग अब मिजोरम राज्य के चार जिलों जैसे लोंगलेई, सेरछिप, लोंग लोंगट्टलाई और हनथियाल के जंगलों तक फैल गई है। आप समझ सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के नाम भी ऊटपटांग ही होते हैं, तो जिलों के नाम भी आप समझ रहे हैं कि वो ऊटपटांग ही देख रहे हैं। आग से प्रभावित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, अब इस आग की चपेट में मिजोरम के शहरी इलाके भी आ गए हैं। और आपने देखा है कि केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है यहाँ के मुख्यमंत्री ने, राज्य सरकार ने, और मिजोरम के जंगलों में लगी हुई आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स के अलावा भारतीय एयरफोर्स भी लगी हुई है, यानी कि हवाई जहाजों का भी उपयोग किया जा रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम थंगा ने वनाग्नि पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से गुहार भी लगाई है मदद की। अगर हम बात करें वनाग्नि एवं इसके कारण की, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि आखिर आग क्यों लगती है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कई देशों की जंगलों में आग लगती है, कई देशों में आप देख, वनाग्नि वनों में लगाने लगाने वाली आग उस दुर्घटना को कहते हैं जब किसी प्राकृतिक या फिर मानवीय कारण से किसी वन के एक भाग में या पूरे वन में ही आग लग जाती है और उस वन की वनस्पति एवं जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है। जंगलों में आप देखेंगे कि इस तरह की आग की स्थिति तब पैदा होती है जब वनस्पतियां और मिट्टी सूख जाते हैं और आर्द्रता भी बहुत कम होती है। और ये समझ सकते हैं आप लोग कि गर्मी के टाइम में ही होता है। अब आप समझिए सभी गीले हैं, सभी आर्द्रता भी ज्यादा है, तो वहाँ आग लगना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन आप देखते हैं जब पत्ते गिरते हैं और सूख जाते हैं तब आग आराम से लग सकती है। और इसके अलावा आप देखेंगे जंगलों में ये आग प्राकृतिक कारणों से, जैसे आकाशीय बिजली गिरने से, या फिर आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से वन में उत्पन्न घर्षण से भी आग लग सकती है। ये तो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा, घर्षण, बांस के दो बांस रगड़ने से आग लग जाती थी, तो उसी की बात कर रहा हूँ। साथ ही आप देख सकते हैं कि जंगलों में लगने वाली ये आग मानव निर्मित भी हो सकती है, जिसमें किसी लापरवाही से सूखे वन में सुलगती हुई सिगरेट या माचिस की तीली फेंक देने जैसे कृत्य शामिल हैं। अब आपने सिगरेट पी और आपने वहीं फेंक दी बिना बुझाए, तब भी आराम से आग लग सकती है, ठीक है। और जानकारों का कहना है कि जंगलों में लगने वाली आग जंगल में मौजूद सूखे झाड़ फूस और हवा के प्रभाव में तेजी से फैलती है। और आप समझते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि केरोसिन या फिर डीजल पेट्रोल का काम करती है ये सूखे पत्ते,
जिनमें आसानी से आप समझ सकते हैं भीषण बन जाती है। और वर्तमान में ऐसा देखने को आ रहा है कि वन माफिया वनों का विभिन्न तरीके से दोहन करने हेतु वन अग्नि को प्रोत्साहित कराते हैं। और भारत में वनाग्नि सबसे अधिक मार्च और अप्रैल के दौरान दर्ज की जाती है, जब जमीन में बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी हो गया, मृत पत्ते, सूखी घास और खरपतवार आदि होते हैं। वन अधिकारियों के अनुसार भारत में अधिकतम आग मानव निर्मित होती है, यानी कि हमारी ही गलती का परिणाम रहता है। और अधिकतर मामलों में आप देखेंगे अगर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो हमारी ही गलतियों की वजह से पहुंच रहा है। आप देखेंगे देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में बताया था कि पूर्व की आग की घटनाओं और दर्ज की गई घटनाओं के आधार पर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जंगल वनाग्नि की दृष्टि से काफी संवेदनशील हैं। इस रिपोर्ट को भी याद रखिए, इस रिपोर्ट से भी कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हम बात करें वनाग्नि के प्रभाव की, तो वनाग्नि के कारण वनों की जैव विविधता पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। आप देखेंगे जंगल में पेड़ पौधों के साथ साथ छोटी छोटी घास व झाड़ियां भी नष्ट होती हैं। आग लगने से स्वाभाविक सी बात है कि होंगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे भूक्षरण, भूस्खलन और त्वरित बाढ़ की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जनजातीय वर्ग के परिवार तथा समुदाय वनों पर निर्भर रहते हैं और वनाग्नि से उनकी सामाजिक एवं आर्थिक दशा भी प्रभावित होती है। और याद रहे कि भारत में लगभग 1.70 लाख गांव के लोगों की आजीविका ईंधन, बांस, चारा और छोटी लकड़ी पर निर्भर होते हैं। कई क्षेत्र में अभी भी आप देखेंगे कि आदिवासी लोग वही पुरानी परंपरा के हिसाब से रहते हैं, जंगलों में ही इनका निवास रहता है। जंगल की आग से उठने वाला धुआं और विभिन्न प्रकार की जहरीली गैस मानव और सभी प्राणियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डालती है। वन वन की आग वन आवरण, मृदा वृक्ष वृद्धि, वनस्पति और समग्र वनस्पतियों और जीवों पर कई प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि जब किसी जंगल में आग लग रही है तो वहां रहने वाले जीवों पर भी प्रभाव पड़ेगा, मानव पर भी प्रभाव पड़ेगा। समझ गए? इस क्षेत्र में अगर हम बात करें कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए गए अभी तक, तो आप देखेंगे देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 2004 में वास्तविक समय में जंगल की आग की निगरानी के लिए फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया था। इसे वर्ष 2019 में और उन्नत बनाया गया। भारत सरकार ने 2018 में वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च भी किया था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सरकार ने वनाग्नि निवारण तथा प्रबंधन योजना को भी शुरू किया है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में सुना होगा आपने। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अग्निशमन सेवाओं से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों व उनसे संबद्ध स्थानीय निकायों द्वारा इन दिशा निर्देशों का अनुपालन किए जाने की अपेक्षा की गई है। और याद रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W और 12वीं अनुसूची में अग्निशमन सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी हमारे संविधान में रखा गया है। फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो 2002 से भारत फायर प्रोटेक्शन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए इफेक्ट आपकी प्रीलिम्स में आ जाते हैं। ठीक है, भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। अब आपसे वो वनडे एग्जाम में ही डायरेक्ट पूछ ले कि भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में और कहाँ एक तरह से स्थापित किया गया, तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। और उड़ीसा में इस फायर पार्क को अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा DRDO द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया है। और याद रखिए वैश्विक स्तर पर 1992 में रियो में पृथ्वी सम्मेलन में जंगल में फैलने वाली आग से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। तो इसके बारे में यही सब पॉइंट याद रखे करिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग कम से कम करेंट अफेयर्स से जुड़े रहा करिएगा, कोई न्यूज पेपर फॉलो करते रहा करिएगा। जब भी किसी राज्य कोई किसी कारण से चर्चा में रहता है तो उस राज्य के बारे में भी पॉइंट इकट्ठे कर लिया करिएगा, उनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है, इन्हीं सबको याद रखिए।